गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे हो, अच्छे रहो, खुश रहो और तंदुरुस्त रहो। दोस्तों आज मैंने सुबह निकला हूँ, करीब करीब 7:15 या 7:20, मेरा सेम वही टाइम रहता है। तो निकला हूँ घर से और कोई बुकिंग नहीं, और बैठे 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 एक्चुअली सुबह के टाइम का कुछ बुकिंग है जो इन ड्राइवर ऐप में फिक्स है, जो वो टाइम में ही आता है। तो मैं वेट कर रहा था, तो आते आते फिर मुझे रेगुलर जो बुकिंग मैं कंप्लीट करता हूँ वो बुकिंग मुझे मिला, तो मैंने फटाक से एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद में उसको ड्रॉप भी कर दिया। फिर जैसे ही उनको ड्रॉप किया, उनका ड्रॉप अंधेरी में था, अंधेरी में ड्रॉप करने के बाद फिर मुझे थाने का बुकिंग मिला, और फिर मैंने उनको लेके फिर वो भी इन ड्राइवर ऐप में ही था। तो फिर वहाँ से फिर मैं थाने आ गया, और थाने आने के बाद में फिर काफ़ी टाइम मैंने वेट करते करते फिर इन ड्राइव में काला घोड़ा का यानी फोर्ट CST, और फिर मैंने CST पे उनको ड्रॉप कर दिया। और ड्रॉप करने के बाद में थोड़ा टाइम वेट किया, एक 15-20 मिनट मैंने वेट करने के बाद फिर इन ड्राइवर ऐप में मुझे अंधेरी एयरपोर्ट टर्मिनल 2 का मुझे बुकिंग मिला। तो करीब करीब मैंने आज दिन भर में 4 बुकिंग मैंने कंप्लीट किया, और दोस्तों चारों के चारों बुकिंग मैं इन ड्राइवर ऐप में ही कंप्लीट किया। आप समझ सकते हो कि मैं ओला और उबेर की जो ऐप है वो मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आज पूरा दिन का मैं इन ड्राइवर ऐप का ही बुकिंग मैं कंप्लीट किया। करीब करीब मैंने चार बुकिंग मैंने कंप्लीट किया दोस्तों। करीब करीब 2100-2200 रुपये के आसपास मेरा अर्निंग हो चुका है। और आप यकीन मानो, अगर ओला उबेर में अगर मैं ये 4 टिप मैं कंप्लीट करता तो कभी ज़िंदगी में 2100-2100 रुपये नहीं बनता। तो बहुत बढ़िया अर्निंग था दोस्तों। अब मैं एयरपोर्ट में हूँ, और मैं CNG मेरा एकदम रेड हो चुका है, और मैं CNG के लिए लाइन यानी कतर में हूँ, और जैसे मेरा नंबर आएगा मैं CNG लोड करूँगा। और दोस्तों देखते हैं क्या है आज, बाकी क्या इनकम रहता है। तो करीब करीब जैसा मैं सुबह से अर्निंग किया, अगर ऐसा ही चलता रहा तो करीब करीब 3000 के ऊपर आज का अर्निंग हो जाएगा दोस्तों। बहुत बढ़िया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे अर्निंग आज हो जाएगा। और तो दोस्तों मुझे कमेंट आया कि कार ओला और उबेर में कार अटैच कैसे करते हैं। तो कार अटैच करने के लिए पहले तो ऑफिस में जाना पड़ता था, जबकि मेरा अपना ही कार मैं जब अटैच किया तो मुझे ऑफिस जाना पड़ा, और ऑफिस में जाके मैं कार अटैच कराया। लेकिन अब वैसा नहीं है दोस्तों, आप घर बैठे ही आप अपने कार को अटैच कर सकते हो उबेर में। तो आप ये वीडियो देखिए, मैंने पूरा वीडियो स्टेप बाय स्टेप, अगर आपको कार अटैच करना है तो ऐसा करिए। लेकिन ध्यान दीजिए, आपको पेपर पूरा कंप्लीट होना चाहिए, यानी कार का पेपर और आपका लाइसेंस और बैंक का स्टेटमेंट, ये सब चाहिए रहता है। तो आप ये वीडियो देखिए, अगर आपको कार अटैच करना है तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद वीडियो है दोस्तों। और वीडियो को स्किप मत करिए, पूरा वीडियो देखिए तो आपको समझ में आएगा कि उबेर में कार कैसे अटैच करते हैं। तो देखते रहिए मेरे वीडियो में, स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरा वीडियो मैंने रिकॉर्डिंग किया हूँ, तो आप देख लीजिए। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने उबेर का जो ऐप है वो मैंने डाउनलोड किया। पहला डाउनलोड करने के बाद में देखिए, मैंने पहला नंबर डाला, और नंबर डालने के बाद में जो भी नंबर से आपको रजिस्टर करना है वो नंबर आप डाल दीजिए, उस नंबर पे OTP आएगा। OTP आने के बाद में फिर आप उसको OTP उसमें डाल दीजिए, और डालने के बाद में आप उसको ओके कर दीजिए। जैसे आप ओके करते हो उसको वेरीफाई करेगा। अच्छा, ये रॉन्ग आया है नंबर, मैं वापस ये करता हूँ, कुछ मैंने गलत डाल दिया था। तो मैं अभी दूसरा नंबर, हाँ इंटर के, हाँ देखिए ये हो चुका। उसके बाद में ईमेल आईडी भी डालना है आपको, तो आपका जो भी ईमेल आईडी हो आप डाल दीजिए उसमें, और डालने के बाद में फिर नेक्स्ट पे क्लिक करिए। ये आपका आईडी बन रहा है, क्योंकि पहला आईडी बनाना पड़ेगा आपका, उसके बाद में फिर गाड़ी का अटैच होगा। तो पहला ये हमारा आईडी बन रहा है, यानी मैं अपना मोबाइल नंबर इंटर किया हूँ, और इंटर करने के बाद में फिर मैं मेल आईडी डाला हूँ। मेल आईडी डालने के बाद में मैं ओके कर दिया। देखिए अभी ओके होने के बाद में मुझे पासवर्ड सेट करने बोल रहा है कि आपका क्या पासवर्ड आप रखोगे। तो जो भी आपको पासवर्ड चाहिए वो आप अकाउंट पासवर्ड उसमें सेट कर सकते हो। मैंने डाल दिया पासवर्ड नया आईडी बनाने के। फिर मेरा नाम वो चाह रहा है, यानी आईडी के लिए, यानी जो उबेर का आईडी यानी ऐप का जो आईडी रहता है उसके लिए। तो मैं नाम इसमें डाल रहा हूँ, क्योंकि मेरा देखिए दोस्तों ऑलरेडी आईडी है मेरा, ये जस्ट आप लोगों को बताने के लिए मैं एक नया सिम कार्ड से मैं आईडी बना रहा हूँ। और उसके बाद में देखिए एग्री पे क्लिक कर दीजिए, फिर ओके नेक्स्ट। नेक्स्ट होने के बाद में फिर देखिए ये हमारा, अब हमारा देखिए दोस्तों ये उबेर की आईडी शायद बन चुका है। तो देखते क्या है, क्या आता है देखते, वेट करना पड़ेगा हमें थोड़ा। और फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद में हाँ देखिए अभी हमारा आईडी बन चुका है। अब मैं ओनर और कार ओनर हूँ क्या, बाइक या कार अटैच करना, क्या अटैच करना है आपको, यानी किस में कार चलाना है। तो हमें 4-व्हीलर में चलाना है, तो हमें कार ओनर यानी 4-व्हीलर का हमें सिलेक्ट करना है, और करने के बाद में फिर
हमें कौन से भाषा यानी हमें यूज़ करना लैंग्वेज, तो हम इंग्लिश में डालेंगे और उसके बाद में कंटिन्यू करेंगे हम। और कंटिन्यू करने के बाद में वेट करिए, थोड़ा वेट करने के बाद में व्हाट्सअप, हाँ अभी इस नंबर पे आपका व्हाट्सअप है तो आप इसमें ओके कर सकते हो या तो फिर डोंट इनेबल में क्लिक कर सकते हो। तो हमें व्हाट्सअप नहीं चाहिए तो हम उसको हटा दिया। तो थैंक यू फॉर जो भी है इन्फॉर्मेशन। आप देखिए ये हमारा आईडी बन चुका है अभी। अभी ये क्या बोल रहा है, प्रोफाइल फ़ोटो मांग रहा है, नहीं सॉरी आईडी बना नहीं है, अभी ये प्रोफाइल फ़ोटो मांग रहा है हमसे। तो हमें नीचे पूरा डिटेल्स भी है, देखिए कार का पूरा डिटेल्स है। हमने दो ऑप्शन हमने क्लियर कर दिया, लैंग्वेज और व्हाट्सअप, ये दोनों हमें नहीं चाहिए था। हमने नंबर डालने के बाद इसको ओके कर दिया। तो ये दो प्रोसेस हो चुका हमारा। अब हमें प्रोफाइल फ़ोटो हमें ये करना है, उसको सिलेक्ट करना है। तो उसके बाद में टेक फ़ोटो में क्लिक करना है और उसके बाद में बराबर उस जो गोल राउंड है, राउंड में हमारा फेस लाके उसको क्लिक करना है, यानी जैसे हम फ़ोटो निकालते नॉर्मल वैसा ये करना है। देखिए हो गया, अभी सेव में क्लिक करना है। सेव में क्लिक करने के बाद में हमें थोड़ा वेट करना है। हाँ हो गया हमारा, थैंक्स, आपका वो भी हो चुका है। अभी क्या बोला, ड्राइविंग लाइसेंस, यानी हमारे आईडी के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बहुत ज़रूरी है, क्या आप ड्राइवर हो कि नहीं हो उसके लिए। तो टेक फ़ोटो हमारा फाइल में फ़ोटो है, तो हमें सीधा फाइल सिलेक्ट करके मैं जहाँ पे मेरा लाइसेंस है वो लाइसेंस मैं सिलेक्ट करके डायरेक्टली मैं इसमें अपलोड कर दूँगा। तो हो गया मेरा अपलोड और देखते क्या बोलता है। उसके बाद में वेट करिए, थोड़ा वेट करने के बाद में देखते क्या बोलता है। हाँ हो गया, मेरा लाइसेंस भी इसने एक्सेप्ट कर लिया। अब क्या देखा, पैन कार्ड। तो अभी हमें फिर सेम वैसे ही क्लिक करना है और फाइल में जाना है, टेक फ़ोटो में क्लिक करना है, उसके बाद में फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद में जहाँ पे हमारा जो भी फ़ोटो है, या आप क्लिक यानी कैमरा भी आप यूज़ कर सकते हो। ये तो मेरा फ़ोटो है अंदर, इसलिए मैं फ़ाइल में से डायरेक्टली फ़ोटो इसमें ये कर रहा हूँ। मेरा गैलरी में जो फ़ोटो रखा है लाइसेंस का, देखिए ये भी हमारा एक्सेप्ट हो चुका है और पैन कार्ड भी एक्सेप्ट हो चुका है। अब हमें कार का जो आरसी बुक ये मांग रहा है, क्योंकि मैं होनर हूँ तो मैंने उसमें होनर का सिलेक्ट किया। तो इसमें सेम वही प्रोसेस रहेगा, टेक फ़ोटो में क्लिक करने के बाद में फिर हम फाइल में जाएंगे। और देखिए इसमें कैमरा का भी ऑप्शन है, यानी आपको कैमरा भी आप यूज़ कर सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको फ़ाइल में जाना है, आप डायरेक्टली कैमरा से भी फ़ोटो निकल के डायरेक्ट अपलोड कर सकते हो। तो अभी मैंने मेरा फ़ाइल में है, तो मैं सेम वही मेरा उसमें फ़ाइल में जाके मैं फ़ोटो गैलरी में है, तो गैलरी सिलेक्ट करके मेरा जहाँ पे भी है वो फ़ोटो मैं सिलेक्ट करके आरसी बुक का, ये भी हमारा डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, आरसी बुक भी उसने एक्सेप्ट कर लिया। अब क्या है, व्हीकल इंश्योरेंस, अभी हमारा सेम वही प्रोसेस रहेगा, हमें फिर से क्लिक करना उसी जगह पे और क्लिक करने के बाद में फिर फाइल में जाना। तो चलिए फिर शुरू करते, इसमें भी क्लिक कर दिया और करने के बाद में अब मैं फिर टेक फ़ोटो में क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद में सेम मेरा फ़ाइल में जो इंश्योरेंस कॉपी पड़ा हुआ है उसे मैं सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करके फिर उसको डन करूँगा। वो उसमें डन किया सिवा वो उसमें क्लिक आनी टच कर दोगे तो ऑटोमेटिकली हो रहता है, देखिए नीचे सबमिट है, तो मैं सबमिट पे क्लिक कर दिया। ये मेरा इंश्योरेंस कॉपी है तो मैंने सबमिट पे क्लिक कर दिया। अब सबमिट पे क्लिक करने के बाद अभी वो क्या करता है देखते, एक्सेप्ट करता है क्या नहीं। अभी वो ये भी हमारा एक्सेप्ट हो गया दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स इंश्योरेंस भी हो गया। अब ये क्या बोला, व्हीकल परमिट, तो अभी आपको व्हीकल परमिट क्लिक करना है दोस्तों। अगर गाड़ी का हम अगर पेपर नहीं देते तो पहले ये हम अपलोड कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ व्हीकल परमिट का। सेम हम वही प्रोसेस करेंगे, व्हीकल में क्लिक, व्हीकल परमिट पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद सेम टेक फ़ोटो क्लिक करके फाइल, और फाइल के बाद में जहाँ पे भी वो फ़ोटो यानी जो भी आपका इंश्योरेंस कॉपी वगैरह है जो भी है उसमें क्लिक करने के बाद आपको सिलेक्ट करना है और उसमें डॉक्यूमेंट फाइंडिंग हो रहा है। हो गया दोस्तों, अभी ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब कंप्लीट होने के बाद में अभी ये प्रोसेस आया, तो हमें नेक्स्ट करना है, एरो में क्लिक करना है। चलिए हम एरो में क्लिक कर देते, फिर से क्लिक करते एरो में, फिर से क्लिक करते एरो में, फिर से एक और एक यानी 8 स्टेप है इसमें, 7-8 लास्ट, यानी ये बता रहा है कैसे यूज़ करना है। तो करने के बाद में हमारा ओके, देखिए ओके हो गया, डन हो गया, टिक आ गया, यानी हमारा ऐप का जो ये है वो भी हो चुका है।
अब मैं ये कह रहा था दोस्तों कि आपको अगर देखिए अभी ये क्या दिया है, हमारा आईडी बन चुका है और कार का भी हमने अटैच करा इस दिया। पेपर को इसमें से हमें अभी वेट करना है, क्लियर है कि नहीं, डॉक्यूमेंट से ये अभी फाइनल नहीं करेंगे, लीगल फाइनल करने के बाद में आपको पेपर तो नहीं, ये सब ये सर्वे करेगा यानी वेरीफाई करेगा, और वेरीफाई करने के बाद में आपका आईडी चालू हो जाएगा। तो पहले जो स्टेप था हमारा, वो स्टेप था आपका आईडी, जो उबेर में आईडी बनाते हैं ना, बोलते हैं आईडी नहीं बनेगा तो आप कार नहीं चला सकते हो। तो पहला जो तीन चार ऑप्शन था, यानी जो आपका सेल्फी वगैरह आपने जो लिया वो वहाँ तक का आपका आईडी का था, उसके बाद में फिर वो कार रिलेटेड आता है, यानी व्हीकल इंश्योरेंस परमिट और आरसी, ये कार यानी वहाँ तक का भी आप करोगे तो आपका आईडी बन जाएगा। उसके बाद में जो प्रोसेस रहता है वो आपका आईडी का रहता है। तो ये सब सेम यही तरीके से आप अगर करोगे तो आपका कन्फर्म कंप्लीट हो जाएगा। देखिए मेरा तो एक्चुअली मेरा आईडी है पहले से, तो मेरा आईडी चालू नहीं होगा इतना तो मुझे कन्फर्म पता है। उसका कारण यह है कि मेरा ऑलरेडी पहले से उबेर में आईडी है, तो इसलिए मेरा आईडी चालू नहीं होगा, इसलिए मैं कंफर्म था। तो आपका आईडी नहीं है, नया आईडी है तो आपका कंफर्म चालू होगा, 100% चालू होगा। आप टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जो पहले मैंने तीन चार जो स्टेप बाय स्टेप जो तीन चार ऑप्शन मैंने ये किया था वो मेरा आईडी का था। यानी आपको अगर आईडी बनाना है तो कहते कि आईडी बनाना है उबेर में, तो पहला जो चार पाँच ऑप्शन था वो उबेर का आईडी बनाने के ऊपर ही था, और उसके बाद में फिर जब वो व्हीकल का जो पेपर वगैरह मांगता वो फिर आपका कार अटैच का था। तो इसी में मैंने दोनों कर दिया, आपका आईडी भी बनाना और कार अगर आपका कार अटैच करने का भी, तो दोनों आपका इसमें है। आपको चाहे आईडी बनाओ या कार अटैच करो, क्योंकि बार बार आपको अलग अलग वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसी वीडियो में सब है। तो मेरा देखिए मैंने ऑन किया हूँ तो मुझे वही दिखा रहा है कि आपका पेपर वेरीफाई हो रहा है। तो अभी तक कुछ भी इसमें नहीं हुआ है, सिर्फ हमारा पेपर सबमिट हुआ है, आईडी आपका बन चुका है, इतना कन्फर्म है। मैं थोड़ा रुक के मैंने वीडियो कट किया, कट करके फिर मैं उबेर का ऑन किया हूँ, देखता हूँ अभी क्या दिखा रहा है। अच्छा ये रिक्वायर्ड एक्शन देखिए क्या दिया है, स्विच टू योर अदर अकाउंट, यानी मेरा अकाउंट है वो क्या कह रहा है कि आपका दूसरा अकाउंट है इसलिए ये अकाउंट चालू नहीं होगा। देखिए ना अब ये क्या बोल रहा है, सेम मेल पे आपका लिंक है दूसरा, देखिए लिख के दिया है कि आपका ईमेल आईडी पे सेम पेपर लिंक है दूसरे अकाउंट पे, तो आपको दूसरा अकाउंट आप स्विच करो, ये अकाउंट आपका चालू नहीं होगा। तो मैंने आपको पहले ही बोला था, क्योंकि मेरा आईडी है इसलिए मेरा आईडी नहीं बनेगा, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने एक डुप्लीकेट आईडी आपको बना के दिखाया। और क्योंकि मेरा दूसरा आईडी देखिए वापस मैं देख रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ, देखिए ये मैंने स्विच पे क्लिक करता हूँ, ये क्या कह रहा है, स्विच टू योर अदर अकाउंट, यानी मेरा जो दूसरा अकाउंट है उस। तो फाइनली दोस्तों आप लोगों ने देख लिया है कि उबेर के आईडी और कार अटैच कैसे करते हैं। तो पहले जो चार स्टेप है वो आपका आईडी बनाने का था, और उसके बाद में फिर जो व्हीकल का जो इंश्योरेंस या पेपर आरसी वगैरह जो मांगते हैं तो कार अटैच करने का। तो आपको अभी ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं दोस्तों, आप घर बैठे या आपके घर में बैठ के स्मार्टफोन पर ही आप आपका कार अटैच और आईडी बना सकते हो, किसी के पे जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों प्लीज़ ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, और प्लीज़ इस भाई पे ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए। और मेरा लास्ट वीडियो आप लोग ने बहुत देखे दोस्तों, कैसे आप लोग अगर वीडियो देखते हो तो अच्छा लगता है कि, और दूसरा वीडियो बनाने का भी जज्बा अंदर आ जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक्स मेरे वीडियो देखने के लिए। तो आज का वीडियो यहीं तक, फिर से एक नए वीडियो के साथ में आप लोगों के साथ में मुलाकात होगी, तो तब तक के लिए गुड बाय।